हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको गेहूं की बुआई से लेके अंत तक कौन कौन सा खाद किस टाइप से देना है मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले गेहूं की सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए, पोटाश का क्या महत्व है गेहूँ में, और सबसे अच्छी खाद कौन सी है, और जिस किसान भाई का हेक्टेयर 75-80 क्विंटल निकलता है उनका खाद का शेड्यूल क्या है। किसान भाइयों, किसी भी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, और किसी फसल का उत्पादन उसमें खाद मैनेजमेंट या खाद की सही मात्रा डोज के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाइयों, गेहूं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। किसान भाइयों, गेहूं पैदा करने में हम खाद पानी का सही मैनेजमेंट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या इसमें बाकी रह जाएगी। आज हम इसमें गेहूं के खाद के शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। हम 35 क्विंटल से लेकर 80 क्विंटल हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं किसान भाई। तो क्यों कोई 35 क्विंटल ले रहा है, क्यों 80 क्विंटल ले रहा है, उसकी भी बात होगी। और जो लोग 80 से 85 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर का ले रहे हैं तो उनकी खाद मैनेजमेंट, खाद की मात्रा क्या डालते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। किसान भाई, आज गेहूं की खाद की संपूर्ण मात्रा पे गेहूं की बात करेंगे। दो टाइप से किसान भाई खाद देते हैं। पहला टाइप, इसमें यूरिया 6 बैग्स, सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 बैग्स, पोटास 1 बैग और जिंक सल्फेट 15 kg। तो मैं आपको बता दूँ, जिंक सल्फेट 15 kg, 1 बैग पोटास, इसके बाद में जो अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 बैग और 2 बैग यूरिया, इसमें मिक्स करके अपन बुआई से पहले डाल दें खेत में। इसके बाद में बाकी जो 4 बैग अपनी यूरिया बचे हैं, पहला बैग जो डालेंगे अपन फर्स्ट बुआई पानी में सिंचाई करेंगे जब डालेंगे, और दूसरा जो यूरिया बैग बचा है अपना 2 बैग यूरिया, और सेकंड सिंचाई समय डालेंगे। तो किसान भाई, आप ये शेड्यूल अपनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में दूसरा टाइप क्या है, इस पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप DAP। जो किसान भाई DAP को यूज करते, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट का टाइप हो गया, सेकंड DAP वाला। यूरिया इसमें अपन लेंगे 5 बैग, DAP लेंगे 2 बैग और पोटास 1 बैग और जिंक सल्फेट 15 kg। तो उसमें क्या रहेगा, जिंक सल्फेट 15 kg, पोटास 1 बैग, इसके बाद में जो DAP है, DAP अपन 2 बैग जो रहेगा, यूरिया ले लेंगे इसमें अपन 1 बैग की साइड। तीनों को मिक्स करके, DAP नहीं लेंगे, जिंक सल्फेट 15 kg, पोटास 1 बैग और इसके बाद में यूरिया 1 बैग, इसमें मिक्स करेंगे और बुआई से पहले अपन छिड़काव कर दें खेत में और डाल देंगे। इसके बाद में जो 1 बैग DAP और 2 बैग यूरिया पहली सिंचाई में, और इसके बाद 1 बैग DAP, 2 बैग यूरिया और सेकेंड सिंचाई में ये डाल देंगे, तो आपको इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके बाद में अभी मैं बताऊंगा आपने सल्फर का उपयोग क्या है। सल्फर के स्रोत अनुसार इसका उपयोग फसलों की बुआई से पूर्व छिड़काव या मृदा में मिलाकर किया जा सकता है। इसका तो छिड़काव कर दीजिए, या बुआई के समय इस मिक्स कर सकते हैं, या मिलाकर करना है। तो सल्फर का भी काफ़ी अच्छा महत्व है। सल्फर का यूज मैक्सिमम होता है जड़ों को गहराई तक ले जाना, तो ये आपकी सल्फर का यूज रहेगा तो जड़ गहराई तक जाएगी। यदि उसमें पानी की कमी भी रहती है तो सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है अपनी गेहूं की फसल में। इसके बाद जो सबसे अच्छी खाद मानी गई है, गोबर की खाद फूल वाले पौधे के लिए बेस्ट जैविक खाद, जिसे आसानी से बनाया तथा प्राप्त किया जा सकता है।
गोबर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व फूल वाले पौधे की पत्तियों को हरा भरा बनाते हैं और फूलों के विकास में प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्या है, जो गोबर की खाद इतना मिट्टी कठोर होती है, किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो गोबर की खाद हो सके तो आपको गोबर की खाद यूज करना है। एक एकड़ में 4 ट्रॉली गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। पोटाश की कमी से पौधों में पत्ती पीली होती है, नुकीली तथा किनारे से झुलस जाती है। पोटाश धान, गन्ना, गेहूं आदि फसलों में ज़्यादा फुटाव व फैलाव के लिए मदद करता है और दाने मोटे व चमकदार यथा वजनी बनते हैं। इसमें वजन अच्छा रहेगा, देखने में सुंदरता अच्छी रहेगी और आपका पौधा रोगों से बचा रहेगा यदि आपने पोटाश का यूज किया है तो। इसके बाद में कहने का मतलब ये सीधा है, इसका जो सारांश है जो अपन ने अभी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, इसका जो सारांश है, प्रति हेक्टेयर अपने को ये खाद इतना मात्रा अपने को प्रति हेक्टेयर जरूरत रहती है। नाइट्रोजन 150 kg चाहिए, फास्फोरस 50 kg चाहिए और पोटाश 30 kg चाहिए और जिंक सल्फेट 15 kg चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सार यही है इसका कि अपने को इतना यूज करना है। वो किसान भाइयों, मैंने बता दिया किसी फसल का उत्पादन उसमें खाद मैनेजमेंट के ऊपर सही मात्रा डोज के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाइयों, गेहूं अन्य फसल की वैरायटी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि